हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुर्शीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल भरगन का शेफ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, मटन सीख मसाला। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम रेस्टोरेंट में मटन सीख मसाला कैसे बनाते हैं। मटन सीख मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए मटन सीख कबाब। इसका वीडियो मैंने आपको दिखाया हुआ है आपने कैसे बनाना है मटन सीख। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपने इसको काट लेना है, इतना बड़ा काट है, ये देखिए, मतलब आपने इतना बड़ा काटना है एक बार में आपके मुंह में आसानी से चला जाए, जिसको बोलते हैं ना वन बाइट। आपने लेना है एक पैन, पैन के अंदर आपने डालना है सबसे पहले देसी घी 3 टेबल स्पून। जब आपका घी गर्म हो जाएगा तब आपने इसमें डालना है थोड़ा सा, मतलब 1/4 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गार्लिक, 1/2 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई। इनको आपने चटका लेना है, हल्का सा चटकाएं। उसके बाद आपने इसमें डालना है चॉप मसाला। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा चॉप मसाला कैसे बनाए तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चॉप मसाला डाल के आपने थोड़ा सा ऐसे पकाना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है ये मटन की ग्रेवी। ये ग्रेवी मैंने आपको बताई हुई है कि हम कैसे बनाते हैं, एक वीडियो मैंने बनाया था मटन कैसे पका के रखते हैं हम होटल में, उससे जो ग्रेवी बचती है ये वो है। अब आपने इसमें डाल देना है सभी मसाले, जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, कसूरी मेथी, देगी मिर्च, 1 पिंच हल्दी, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, और गरम मसाला। गैस आपने की चालू और ऐसे मिक्स किया, ये देखिए इस तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ा पानी डालना है। पानी से क्या होगा, ये सारे मसाले और ग्रेवी ना पकड़ लेंगे आपस में, मतलब अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए ऐसे आपने अच्छे से पकाना है, पकाना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये ना समझें कि मटन सीख कबाब मसाला बन गया, अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है और ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। एक बार आप ये बना के खाएंगे ना तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कितना मज़ा आया। आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। जब ग्रेवी ऐसे पक जाएगी, देखिए कितनी प्यारी होगी, ऐसे चमक आ जाएगी, तब आपने क्या करना है, गैस कर देना है बंद और जो हमने सीख कबाब काट के रखा था वो इसमें डाल देना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है धनिया के पत्ते, जूलियन कटी हुई अदरक, 2 पिंच इलायची पाउडर, 2 पिंच डालें, और हम होटल वाले जिसके बिना खाना नहीं बना सकते, बटर 1 टेबल स्पून। गैस आपने की चालू और इसको हल्के हाथ से आपने मिलाना है, सीख कबाब टूटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखिए ऐसे कोने से पैन को ऐसे हिलाएं। अब इसका कलर देखा ना आपने, कितना बेहतरीन हो गया, मुँह में पानी आया ना आपके, गैस बंद। अब यह है पिकअप, ये देखिए, वाह, इसकी खुशबू, इसका कलर बता नहीं सकता। ये आपने मुझे बताना है कि आपको कितना मज़ा आया ये देख के, और अगर आपने खाया तो खा के। इसकी गार्निश है बारीक कटी हुई अदरक और सिर्फ धनिया के पत्ते। ये देखिए एक बेहतरीन लाजवाब शानदार रेसिपी बन के तैयार है आपके सामने। खुशबू देखिए इसकी और कलर, वाह, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, मैं तुरंत जा रहा हूँ इसको खाने। अगर आपको पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।